हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ वेनमवर्स वॉर स्टोरीज का एक एक्साइटिंग एपिसोड। और ये सीरीज पूरी ही सिम्बियोट पर बेस्ड होने वाली है, यानी कि वेनम पर। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आए तो मुझे कमेंट करें ताकि मैं इसके आगे के एपिसोड भी बना पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने घर पर, जहाँ पर एक मैजिकल सर्कल के ऊपर वो मेडिटेशन कर रहे थे कि तभी वहां पर कैप्टन अमेरिका, जो कि अब कैप्टन वेनम बन चुका था, वो हाँफते हुए आता है और कहता है, हम पर अटैक हुआ था, पॉइजन्स ने हमें लगभग तबाह कर दिया और मैं किसी तरह से वहां से भाग निकला। आगे डॉक्टर स्ट्रेंज पूछता है, तो बाकी के कहाँ पर है? जिस पर कैप्टन अमेरिका यानी कि कैप्टन वेनम जवाब देता है, वो सब लोग चले गए, मैं अकेला ही वहां पर सर्वाइवर बचा हूँ, एक अकेला, और वहां पर कोई भी बचा नहीं है। यहाँ तक कि पॉइजन ने मून नाइट तक को अपने कब्जे में कर लिया है, पॉइजन ने मून नाइट को कंज्यूम कर लिया है। यहाँ पर यह सुनते ही डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, अगर ऐसी बात है तो हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मून नाइट इस जगह के बारे में जानता है। जिस पर कैप्टन कहता है, लेकिन हम अकेले हैं, हम उनके साथ नहीं लड़ सकते, हमें रिसोर्सेज की जरूरत है और इसी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, और हम अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, हम अकेले नहीं है, अभी तक तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर काउंटलेस वर्ड्स है, काउंटलेस वेनम सिम्बियोट्स है। जिस पर कैप्टन कहता है, काउंटलेस तुम्हारा कहने का मतलब है कि हमें तब तक वक्त मिल जाएगा जब तक हम यहाँ पर कुछ संभाल नहीं सकते। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, मैं अपने लास्ट समन के बाद इतनी पावर तो रिगेन कर ही चुका हूँ कि मैं कुछ लोगों को यहाँ पर बुलाकर अपनी एक फोर्स तैयार कर सकूँ, और वो ऐसा ही करता है, और वो समन करने लगता ही है कि तभी उसे अलग अलग मल्टीवर्स के कुछ अलग अलग वेनम सिम्बियोट, जो कि उनके सुपर हीरोज के साथ जुड़ चुके थे, वो दिखते हैं, और वो वहां पर एक आर्मी तैयार करने की बात करता है। जिस पर कैप्टन कहता है, इसका मतलब है कि हमें एक फाइटिंग चांस मिल चुका है, यहाँ पर बहुत सारे हैं, राइनो, हल्क और कुछ तो उससे भी बढ़कर है, तो हमें यहाँ पर डेमोलिशन स्किल का एक अनोखा कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है, जितना हमें दर्द हुआ है उतना उन बॉडीज को भी होगा जो कि उन्होंने वियर कर रखी है। जिस पर कैप्टन कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टीफन, क्योंकि जिन्होंने भी ये वेयर कर रखा है वो सभी सोल्जर्स है, और उन्हें पेन की आदत हो ना हो, लेकिन उन्हें पेन का अच्छा खासा तजुर्बा तो जरूर होगा। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पूरी सिटी तबाह हो रही थी। आगे हम देखते हैं लेगोस में, जहाँ पर एक लड़की अपने टेलीविजन पर देख रही थी ग्रास होपर्स के बारे में, और वो ब्रूसले को आइडल मानकर डोरा मिलाजी ज्वाइन करना चाहती थी। यहाँ पर वो ग्रास हॉपर्स के बारे में टेलीविजन पर देख ही रही थी कि तभी वहां पर उसे खिड़की के बाहर ग्रास हॉपर दिखता है, और उसे पकड़ने के लिए वो अपने घर से बाहर जाती है कि तभी वहीं पर राइनो और ब्लैक पैंथर लड़ते हुए आते हैं, और उनके हाथ से एक कैनिस्टर नीचे गिर जाता है, और वो कैनिस्टर जाकर सीधे टकराता है उस लड़की की व्हील चेयर से, और उसमें से वेनम सिम्बियोट बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पर राइनो के सर पर चढ़ा हुआ ब्लैक पैंथर कहता है, उसे छूना मत, वो डेंजरस हो सकता है, और इसी वजह से वो लड़की व्हीलचेयर चलाकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो सिम्बियोट उसे जकड़ लेता है, और इसी वजह से वो ब्लैक पैंथर से मदद मांगती है। यहाँ पर लगभग वो सिम्बियोट उस लड़की को पूरा कंज्यूम कर लेता है, और उसकी मदद के लिए भागने वाले ब्लैक पैंथर को राइनो पकड़ लेता है। यहाँ पर वो वेनम सिम्बियोट उस लड़की से अटैच हो चुका था, जहाँ पर वो लड़की खुद में कुछ बदलाव महसूस करती है, और वो अपने पैरों के साथ चलने की कोशिश करती है, जिस पर उसका रिएक्शन था, मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ, ये तो कमाल हो गया, और इसी वजह से वो सिम्बियोट को दूर करना नहीं चाहती थी। और इसी दरमियान वो खुद को एक ग्रास हॉपर में कन्वर्ट कर लेती है और कहती है, इसके साथ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये अमेजिंग है। यहाँ पर ब्लैक पैंथर को राइनो पकड़ते हुए कहता है, मेरी माँ ने कहा था कि ब्लैक कैट्स बैड लक की निशानी होती है, इस वजह से मैं तुम्हें कीड़े की तरह मसल दूंगा, और होता भी ऐसा ही है। राइनो ब्लैक पैंथर की रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है और उसे मार देता है। यहाँ पर वो बढ़ रहा था वेनम सिम्बियोट की तरफ, जहाँ पर वेनम सिम्बियोट उसे देखते हुए कहता है, हमें भागना चाहिए, हमें प्रोटेक्ट करने वाला अब कोई भी नहीं है, कोई भी राइनो को नहीं बचा सकता। जहाँ पर लड़की कहती है, नहीं हम भागेंगे नहीं, हम लड़ेंगे, हम उसके साथ जरूर लड़ेंगे, हमें सिर्फ ब्लैक पैंथर की मदद करनी है, डोरा मिलाजी की तरह हम उसकी डोरा मिलाजी बनेंगे। इस पर सिम्बियोट कहता है, हम कर पाएंगे। इस पर लड़की जवाब देती है, हम करें या ना करें, लेकिन हम ट्राई जरूर करेंगे, और वो करती भी ऐसा ही है। ग्रास ओवर की फॉर्म की वजह से वो राइनो को मजा चकाने में कामयाब हो जाती है। जहाँ पर गुस्से में राइनो कहता है, तुम
एक लड़की के साथ बॉन्ड होकर मुझे मार सकते हो और ये लड़की सिर्फ मुझे खरोच रही है, बाकी कुछ भी नहीं। और वो कहता है जैसे मैंने ब्लैक पैंथर को मारा वैसे ही मैं तुम्हें भी मारूंगा। लेकिन वो लड़की वेनम सिम्बियोट की मदद से राइनो की आंख फोड़ देती है और कहती है तो ठीक है अब से हम पैंथर की डोरा मिलाजे है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। यहाँ पर दूसरी तरफ वाकांडा में हम देखते हैं उसी लड़की के माता पिता एक सोल्जर से बात कर रहे थे कि बस एक्सीडेंट के बाद हमारी डॉटर की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, क्या आपको लगता है कि वो सेफ रहेगी? इस पर वो सोल्जर कहती है हाँ क्यों नहीं। थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं वाकांडा में जहाँ पर वो लड़की एक नेचुरल फाइटर बन चुकी थी लेकिन वो सिम्बियोट के बिना कुछ भी नहीं थी। इस वजह से वहाँ के लोग उस सिम्बियोट को उसके साथ परमानेंटली बॉन्ड कर देते हैं हार्ट शेप हर्बल्स के साथ। यहाँ पर एक औरत कहती है ये स्ट्रांग तो है लेकिन ये सिम्बियोट के बिना चल नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो वही रहेगी। यहाँ पर सिम्बियोट उससे कहता है उनकी बातों पर ध्यान मत दो, तुम अपने पावर्स पर ध्यान दो, उन्हें प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचो क्योंकि तुम ही ब्लैक पैंथर हो जो कि अब वाकांडा को प्रोटेक्ट कर सकती है। यहाँ पर वो लड़की ग्रास ऑफर का फॉर्म लेकर उड़ते हुए आगे कह रही थी और इसी के साथ वो सभी मरेंगे जो कि ब्लैक पैंथर के रास्ते में आएंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं फ्रैंक कैसल को जो कि अब अपना एमओ अपना लक अपनी होप सब कुछ खो चुका था और वो मिलने जा रहा था किंगपिन से जहाँ पर उसे एक डील करनी थी। यहाँ पर कैसल को देखते ही किंगपिन पहले उसे वेलकम करता है और कहता है तुम्हें पता है कि जब पुराने दिनों में मैं छुपता था तो ये भी एक शेल्टर हुआ करता था मेरा, लेकिन टाइम अब चेंज हो चुका है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि किंगपिन के आदमी पनिशर की तलाशी ले रहे थे उसके हथियारों के लिए, जैसा कि उन्होंने तय किया था कि बिना हथियारों के आना है वैसे ही पनिशर बिना हथियारों के आया था। और आगे पनिशर किंगपिन से कहता है तुमने मुझे यहाँ पर जिस डील के लिए बुलाया था उस बारे में बताओ, जिस पर किंगपिन जवाब देता है डील तुम बहुत भोले हो, तुम्हें क्या लगा कि मैंने यहाँ पर तुम्हें किसी डील के लिए बुलाया है, और अपने आदमियों से कहता है कि उसे मार दो। इतना सुनते ही पनिशर कहता है मैं तुमसे नहीं बल्कि किसी और से बात कर रहा था। और तभी सिम्बियोट पनिशर को कवर कर लेता है और किंगपिन के मुंह को एक मास्क के साथ ढक लेता है। यहाँ पर पनिशर एक वेपन क्रिएट करता है और कहता है तुमने फ्रैंक को वेपन्स के लिए चेक किया लेकिन तुम एक चीज भूल गए, तुम भूल गए वेनम को। और यहाँ पर इतना देखते ही वहाँ के लोग उस पर अटैक करने लगते हैं लेकिन उन गोलियों का असर पनिशर पर नहीं होता। यहाँ पर वेनम कहता है हमें पता है कि लोडेड वेपन्स के साथ क्या करना चाहिए फ्रैंक, और इतना कहते ही वो उस वेपन से उन सभी पर अटैक करने लगता है। और यहाँ पर वो आगे बढ़ते हुए कहता है तो अपने टारगेट की तरफ बढ़ो और उसे खत्म कर दो, उसे दिखा दो कि आखिर हेल होती क्या है। आगे हम देखते हैं कि पनिशर एक एक करके सिटी के सारे गुंडे सारे बदमाश और सारे क्रिमिनल्स को एक एक करके मार देता है, जैसे कि मर्डरर्स अब्यूजर्स, और फिर से उसके नाम की दहशत फैलने लगती है, फिर से वो अनस्टॉपेबल हो जाता है, वो एक वॉर मशीन बन जाता है। आगे सिम्बियोट उसे ले जाता है एक टारगेट की तरफ। यहाँ पर सिम्बियोट से वो पूछता है कि तुम मुझे बता नहीं रहे कि हमारा टारगेट कौन है, जिस पर सिम्बियोट कहता है तुम्हें दिख जाएगा, हमें तुम्हारे स्किल की जरूरत है फ्रैंक क्योंकि तुम यूनिक हो सबसे अलग, हमारे ब्लड लस्ट के लिए तुम्हारे जैसे ही किसी की जरूरत थी। यहाँ पर वो एक वेपन क्रिएट करते हुए एम लगाकर बैठा ही था कि तभी वेनम उसे पॉइंट करता है स्पाइडरमैन की तरफ, जिस पर फ्रैंक कहता है नहीं वो इनोसेंट है मैं उसे नहीं मार सकता, जिस पर सिम्बियोट कहता है लेकिन तुमने वादा किया था कि मेरे लिए तुम एक को मारोगे, जिस पर फ्रैंक कहता है तुमने एक के बजाय कईयों की जान ली है, जिस पर सिम्बियोट उसे जवाब देता है कि तुम्हें क्या लगता है अगर तुम नहीं करोगे तो क्या मैं ट्रिगर नहीं दबा सकता। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर वो सिम्बियोट टेलीपोर्ट हो जाता है और स्पाइडरमैन कह रहा था इस सिटी में आज की रात कोई भी क्रिमिनल्स नहीं दिख रहे, तो आखिर वो गए कहाँ पर? इस वजह से मैं अपना गेम ऑफ थ्रोन्स का एपिसोड कहीं मिस ना कर दूं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर एक स्पेसशिप में बैठा हुआ एक क्रिएचर अपने कंप्यूटर से कह रहा था टारगेट आइडेंटिफाई हो चुका है, तुम क्या इसके बारे में श्योर हो? इस पर कंप्यूटर एफर्मेटिव का मैसेज शो करता है, जिस पर वो क्रिएचर कहता है तुमने पहले भी एफर्मेटिव तब शो किया था जब एक बॉम्ब वॉर्न किया जा रहा था, इसके हिसाब से क्या तुम मुझे मारना चाहते हो या फिर रोबोट अपराइजिंग करना चाहते हो? जिस पर फिर से एफर्मेटिव का मैसेज शो होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि रॉकेट रकून था जो कि अब वेनम के साथ अटैच हो चुका था, और वो एवेंजर मैंशन में कैरल डेनवर्स की तरफ बढ़ता है जहाँ पर वो खाना खा रही थी, और वो अटैक करता है उस पर और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था कि तभी कैरल डेनवर्स अपनी शील्ड को समन करती है और शील्ड के आते ही वो उसके सारे फायर आर्म्स को उस शील्ड पर लेती है और खुद को कवर करती है। यहाँ पर इस वजह से रॉकेट रकून काफी गुस्से में था और वो उसकी तरफ अटैक करने बढ़ ही रहा था कि तभी वो उसे मारकर एक दीवार के पार कर देती है
और कहती है, तो तुम्हें क्री ने भेजा है, तो वो मुझसे चाहते क्या है? जिस पर रॉकेट रकून जवाब देता है कि मुझे नहीं पता और मुझे परवाह भी नहीं है। तभी एक कैनन निकालकर वो कैप्टन अमेरिका पर अटैक करता है और उसे कुछ दीवार तोड़कर आगे फेंक देता है। जिस पर कैप्टन अमेरिका कहती है, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, क्या हम ये फाइट हमारे घर के बाहर नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी वजह से पहले ही काफी तोड़फोड़ हो चुकी है। और इतना कहते ही वो एक ही झटके में उसे आखिरी दीवार के पार कर देती है उस घर के बाहर, जहाँ पर रॉकेट रकून कहता है, तो तुम्हें स्टूपिडली ये गेम खेलना है, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा स्टूपिड नहीं हो सकती। और आगे वो कहता है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था कि तुम मुझसे ज्यादा स्टूपिड नहीं हो, उसे किसी और तरीके से लो। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका उसे धमकी देती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड है यहाँ से वापस घर जाने के लिए। जिस पर रॉकेट कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन खोखली धमकियों से मैं डर जाऊंगा? मुझे 10 सेकंड से काफी है तुम्हें मारने के लिए। लेकिन वो उसे मार पाता इससे पहले ही उस सिम्बियोट को भी कहीं पर टेलीपोर्ट कर लिया जाता है। और तभी जाते वक्त रॉकेट कहता है, मेरी मदद करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, और वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लेटवेरिया में डूम अपने थ्रोन पर बैठा हुआ था, जहाँ पर एवेंजर्स का लीडर कैप्टन अमेरिका उससे कहता है, हमने सुना है कि तुम सिम्बियोट के साथ मर्ज हो चुके हो, क्या अभी डूम कंट्रोल में है? जिस पर डूम का जवाब था, हाँ मैं कंट्रोल में हूँ और इसी की वजह से अभी तक तुम अपना खाना खा रहे हो। यहाँ पर वेनम सिम्बियोट डूम के साथ मेंटली लिंक शेयर कर रहा था और उसे कह रहा था, तुम राह किसकी देख रहे हो, इन्हें मार दो, तुम्हें इनके आगे घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, तुम इतने पोलाइटली इनसे बात कैसे कर सकते हो? यहाँ पर कैप्टन अमेरिका कहता है कि हम तुम पर ट्रस्ट कैसे करें? जिस पर डॉक्टर डूम उन्हें वो एग्रीमेंट याद दिलाता है जो कि उसने एवेंजर्स को भेजा था। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका उस एग्रीमेंट के बारे में ब्लैक विडो से पूछती है, जिस पर ब्लैक विडो कहती है, मैंने वो एग्रीमेंट पढ़ा है, उसमें कुछ भी ऐसा उलझुल नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर लूक केज कहता है कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है। इस पर कैप्टन अमेरिका कहता है, केज अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम एक टीम के साथ लेटवेरिया जाओ। यहाँ पर वो सिम्बियोट अभी भी डूम से कह रहा था, तुम हमें रेजिस्ट क्यों कर रहे हो? इस पर डूम का जवाब था, कुछ प्रिंसिपल्स के साथ मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे एक पपेट बनाना चाहते हो, अपने ब्लड लस्ट के लिए तुम मुझे चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। यहाँ पर एक डेस्क के सामने खड़ा होकर सिम्बियोट उससे कह रहा था, तुम स्ट्रांग हो, तुम ह्यूमन हो, लेकिन तुम्हारे पास लिमिट्स है, ना कि हमारे पास, हम लिमिटलेस है। और इतना कहते ही कुछ दीवारें तोड़कर वो सिम्बियोट डूम को दूर फेंक देता है और उसके डूम बॉक्स पर कब्जा कर लेता है। और उन डूम बॉक्स के जरिए वो कहता है कि हमें ज्वाइन करो, हमें ज्वाइन करो। और वो अपने डूम बॉक्स के तरफ देखते हुए कहता है, पैरासाइट तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी मशीन्स मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी लेटवेरिया में आकर? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? और होता भी ऐसा ही है। डूम उन सभी मशीन्स को अपने से दूर कर देता है। यहाँ पर वेनम सिम्बियोट उसे कह रहा था, तुमने मेरे सामने कोई भी चॉइस नहीं छोड़ी है डूम। जिस पर डूम कहता है, तुम्हारे इन बातों से मैं डर जाऊंगा, तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हें लगता है कि जैसे एवेंजर्स तुमसे डरते हैं, वैसे मैं तुमसे डरूंगा? नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। और उसी के साथ एक एक्सप्लोजन हम कैसल डूम में देख सकते हैं, जहाँ पर लूक केज उसे देखते हुए कह रहा था, मुझे पता था कि हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, इसी वजह से मैंने कहा था कि डूम से सिम्बियोट ले लेते हैं। यहाँ पर लूक केज आगे कहता है, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है डूम, अब तुम्हारा और सिम्बियोट का खेल खत्म हो चुका है। यहाँ पर बाहर आते हुए डूम कहता है, तुमने क्या कहा, मैं और कौन? और तब हम देखते है वेनमाइज्ड मॉन्स्टर डूम उन सभी के सामने खड़ा था, जहाँ पर वो कहता है, यहाँ पर वेनम नहीं सिर्फ डूम है और सिर्फ डूम ही रहेगा। लेकिन तभी उसे वो हीरोज दिखाई देते हैं जो कि वेनमाइज्ड होकर दूसरी तरफ बुलाए जा रहे थे। यहाँ पर हम वो हीरोज देख सकते हैं जो कि वेनमाइज्ड हो चुके थे और दूसरी तरफ बुलाए जा रहे थे, जिस पर डूम कहता है कि यहाँ पर तो डूम है लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ऐसे है जो कि हम बता नहीं सकते। जिस पर सिम्बियोट कहता है, हाँ लॉर्ड डूम, मैं सेंस कर सकता हूँ, तो डूम को उनके साथ मिलना चाहिए, उन सभी के साथ। और इतना कहते ही वेनम सिम्बियोट डूम के साथ वहां से गायब होकर वहीं पर चला जाता है। यहाँ पर लूक केज कह रहा था, वो जा चुका है, मुझे नहीं लगता कि अब हमें उसे मारने की जरूरत पड़ेगी। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मुझे बताएं ताकि मैं इसके आगे के एपिसोड्स भी आपके लिए ला सकूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।